नमस्कार, मैं हूं आंचल मित्तल और आप देख रहे हैं तेज तरार। केजरीवाल सरकार ने कश्मीरी पंडितों को बड़ी सौगात दी है। दरअसल दिल्ली INA मार्केट स्थित विस्थापित कश्मीरी पंडितों की दुकानों में केजरीवाल सरकार फ्री बिजली कनेक्शन उपलब्ध करवाने जा रही है। इसके बारे में डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने मंगलवार को BSES, PWD और अन्य संबंधित आला अधिकारियों के साथ बैठक की थी। इस बैठक में दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष व ग्रेटर कैलाश के विधायक सौरभ भारद्वाज भी मौजूद थे। इसी को लेकर मनीष सिसोदिया ने मार्केट में पावर ट्रांसफार्मर लगाने के लिए चयनित स्थान का तुरंत निरीक्षण करने और एक महीने के भीतर सभी कश्मीरी पंडितों की दुकानों में बिजली का कनेक्शन लगाने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि कश्मीरी पंडितों के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की थी और बिजली कनेक्शन की समस्या के बारे में बताया था। इस दौरान कश्मीरी पंडितों के प्रतिनिधि मंडल ने CM से कहा था कि क्षेत्र में विभिन्न निर्माण गतिविधियों के कारण हाल ही में बाजार में 100 से अधिक दुकानें बार बार विस्थापित हुई हैं। साथ ही कहा था कि INA मार्केट में कश्मीरी पंडितों की 100 से अधिक दुकानें हैं, लेकिन वहां बिजली की स्थायी व्यवस्था नहीं है। इसी को लेकर CM अरविंद केजरीवाल ने तुरंत इस मामले का संज्ञान लेते हुए इस पर कार्यवाही के निर्देश दिए थे। डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने कहा था कि CM अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली सरकार सदैव कश्मीरी पंडितों के हित में खड़ी रहेगी। हमारी सरकार ने कश्मीरी पंडितों पर राजनीति करने के बजाय हमेशा उनकी तरक्की और उत्थान के लिए काम किया है। उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडितों की इस समस्या पर तुरंत संज्ञान लेते हुए दिल्ली सरकार उनकी INS से दुकानों में बिजली का कनेक्शन लगाने के लिए कार्य करना शुरू भी कर दिया है। साथ ही एक महीने के भीतर यहां बिजली का कनेक्शन लगाने का काम पूरा हो जाएगा। दुकानदारों से किसी प्रकार का चार्ज या फीस नहीं वसूली जाएगी और पूरा खर्च दिल्ली सरकार उठाएगी। तो अब आपकी इस खबर को लेकर जो भी राय है वो आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी ज़रूर दबाएँ, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।